Jesus. सारा दिन उनके लिए कमा गया हूँ, जब घर में आऊँ तो सुकून ही नहीं, यहाँ वहां करके मैं पैसे यहाँ मिलाता हूँ, इनकी ख्वाहिशें पूरी करता हूँ। क्या कुछ नहीं किया तुम लोगों के लिए? परेशान ना हो, बच्चे समझ जाएंगे। ये सारी गलती तुम्हारी है, सारा दिन फोन पे बिजी रहते हो, फंक्शन अटेंड करने में कुछ नहीं सिखाया बच्चों को। दीवार कितनी भी मजबूत हम क्यों न बना लें, अगर बुनियाद से कच्ची है तो गिर ही जाएगी। वैसे ही औलाद को जितना भी समझाओ सिखाओ, उन्हें हराम का लुकमा खिलाकर आप उन्हें नेक रास्ते पर नहीं चला सकते। उनकी नाजायज जरूरतों और ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए आप लोग गलत रास्ता इख्तियार करते हैं। महंगी महंगी मोबाइल, गाड़ियाँ और बहुत सारा पैसा देकर आप ये उम्मीद रखते हैं कि वो आपकी खिदमत करेंगे। खुद उन्हें दुनिया में फंसा कर दीन पर चलने की उम्मीद रखते हैं।
हम ये सोचते हैं कि महंगे स्कूल में भेजेंगे तो कुछ सीखेंगे, मगर ये नहीं सोचते अगर हम कुछ नहीं सिखा सकते तो और कोई क्या सिखा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों को कीचड़ में फेंककर ये उम्मीद रखना कि उन्हें कीचड़ ना लगेंगे। अल्लाह पाक का उसूल है, जो लोग किसी इंसान को खुश करने के लिए अल्लाह पाक को नाराज करता है, अल्लाह पाक उसे उसी इंसान से जलील करवाता है जैसे आजकल की औलाद अपनी माँ बाप को जलील करते हैं।